नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। इस संबंध में दिनांक 7 सितंबर 2021 को लोक सेवा आयोग द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि 19 सितंबर 2021 रविवार को एक सत्र में प्रातः 11 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य प्रदेश के 16 जनपदों में आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सीतापुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर 16 जनपदों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों का जो निर्धारण है वह विषय बार किया गया है। एक विषय के जो अभ्यर्थी हैं वो एक जिले में बुलाए गए हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि एवं समय पर 2 फोटो एवं आईडी प्रूफ की मूल प्रति एवं छाया प्रति लेकर उपस्थित हों। यदि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा www.uppsc.up.nic.in की साइट पर। जैसे ही आप इस साइट पर पहुंचेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप फिर से एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और यहां पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो वेरिफिकेशन कोड यहां पर दिया हुआ है ये आपको यहां पर भर देना है। यहां पर भरने के बाद में आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहां पर एक कैंडिडेट की डिटेल भर देता हूं और वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक कैंडिडेट की डिटेल भर दी है। अब मैं यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में हम एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर हमारा एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम का सेंटर दिया गया है। यहाँ पर जो एग्जाम के सेंटर अलॉट किए गए हैं वह विषय बार अलॉट किए गए हैं। यदि आप इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ऊपर पहुँच जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट एडमिट कार्ड, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप इस एडमिट कार्ड को पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट लेकर रख सकते हैं। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर खो गया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आप अपने फॉर्म का स्टेटस जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। UPGIC प्रवक्ता भर्ती का क्या एग्जाम पैटर्न है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, इस संबंध में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ। साथ ही जो अभ्यर्थी इस भर्ती में सिलेक्ट होंगे उनको फाइनली कितना वेतन मिलने वाला है, इससे संबंधित वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन में मिल जाएंगे। आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।